अच्छा, लास्ट क्लास में एरर हमने थोड़ा सा डिस्कशंस किया था, कहा था कोई भी मेजरमेंट है वो परफेक्ट नहीं होगा, देयर विल बी सम एरर इन्वॉल्व। कुछ डायरेक्ट मेजरमेंट थे और कुछ मेजरमेंट्स इनडायरेक्ट थे, और उसी में हमने डिस्कस किया था प्रोपगेशन ऑफ एरर। इसे एक बार बोल देता हूं, जैसे तुम्हें टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का मेजर करना है, ये फॉर्मूला होता है, इससे हम लोग जी का वैल्यू निकालते हैं ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का, तो टी मेजर करते हैं, एल मेजर करते हैं, जी इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4π² एल अपॉन टी स्क्वायर। सो तुमने एक्सपेरिमेंट से एल मेजर किया सिंपल पेंडुलम का लेंथ, इसके सेंटर ऑफ मास का और इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच का, एंड देन टी मेजर किया टाइम पीरियड 4π कांस्टेंट है, ये वैल्यू पुट करोगे जी का वैल्यू आ जाएगा, बट एल में एरर है टी में एरर है, सो देयर विल बी एरर इन्वॉल्व इन जी, सो वो एरर कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, तो प्रोपगेशन ऑफ एरर का मीनिंग समझ में आ गया होगा, दोबारा बता दिया। कुछ फॉर्मूला बता रहा हूं जो मेडिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक फॉर्मूला, मैक्सिमम सवाल इसी पे आएंगे। बच्चों कोई टर्म हमने कहा था एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, है ना, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक फिजिकल क्वांटिटी ए दूसरा फिजिकल क्वांटिटी बी, ये दोनों को ऐड किया और एक्स आया। ए में एरर इन्वॉल्व है डेल्टा ए, बी में एरर इन्वॉल्व है डेल्टा बी, तो एक्स के मेजरमेंट में कितना एरर होगा, इनफैक्ट अगर यहां माइनस भी होता तो भी आंसर यही होता। दूसरा बच्चों नेक्स्ट आ रहे हैं, ये लास्ट क्लास में समझाया था वाई माइनस में एरर्स विल नेवर गेट सब्ट्रैक्टेड, हमेशा एरर ऐड होगा। नेक्स्ट इज, बच्चे पूरे नहीं ज्वाइन किए अभी तक, अब दो फंक्शन मल्टीप्लाइड है, इसमें कैसे करेंगे, यहां बच्चों रिलेटिव एरर्स लिखते हैं, रिलेटिव एरर यहां पे एब्सोल्यूट एरर ऐड हुआ है, अगर मल्टीप्लाइड में है तो रिलेटिव एरर ऐड होगा और इट विल बी डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, ऐसा होगा। डेल्टा एक्स का मतलब एरर इन एक्स, एक्स जो हुआ एब्सोल्यूट वैल्यू हुआ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कहोगे सर ये कैसे आया, है ना, सो इसका प्रूफ मैं डिफरेंशिएशन से करवाता हूं। कहने का मतलब अगर ए में थोड़ा सा चेंज हुआ है डी ए, बी में थोड़ा सा चेंज है डी बी, तो एक्स में कितना चेंज होगा यही करना है। तो देखो डिफरेंशिएशन से ऐसे करते हैं बच्चों, dx ले लेता हूं, x में थोड़ा सा चेंज dx, इसको डिफरेंशिएट कैसे करते थे, पहले a को करते थे डिफरेंशिएट और b को एज इट इज, और प्लस फिर a को एज इट इज और b को डिफरेंशिएट करते थे, ये इंटीग्रेशन से मैं प्रूफ कर, सॉरी डिफरेंशिएशन से मैं प्रूफ कर रहा हूं। अब क्या करते हैं x से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, x इज इक्वल टू ए बी है तो ऐसे डिवाइड कर दिया, देखो क्या आ जाएगा dx by x इज इक्वल टू
बी भी चला जाएगा डी ए बाई ए प्लस ए चला जाएगा डी बी बाई बी। एरर का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा डिफरेंस आया। ये फॉर्मूला वैलिड तभी है व्हेन एरर आर वेरी स्मॉल। अगर कोई कहेगा कि नहीं हम तो 50% एरर करेंगे और 80% एरर करेंगे तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब देखना मैंने प्रूफ किया है डिफरेंशिएशन से, बट एग्जैक्टली है ये डिफरेंशिएशन नहीं, एरर थोड़ा डिफरेंट है। अगर हम सवाल पूछ देते कि यहां पे a बाई बी होता तो क्या आंसर होता, तो भी बच्चों यही आंसर होता, इस केस में भी यही होता आंसर। कौन सा, डिफरेंशिएशन से प्रूफ करो। डिफरेंशिएशन से जब प्रूफ करते ना तो यहां पे माइनस आ जाता, डिफरेंशिएशन से करेंगे तो, बट ये एरर है, माइनस साइन कहीं भी आए तो उसको क्या कर देना, प्लस साइन कर देना। क्लियर, ए बी या ए बाय बी दोनों में यही आ जाएगा। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, तीसरा फॉर्मूला लिख रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में होगा, रिलेटिव एरर ऐड होगा। अगर सपोज x इज इक्वल टू a टू दी पावर m है, a टू दी पावर m, तो dx बाई x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू डी ए बाई ए, जो पावर है वो मारा, लेकिन m जो रहेगा वो पॉजिटिव है तो ऐसे रहेगा, निगेटिव है तो ये माइनस m कर देंगे, इसको पॉजिटिव में बनाना है, निगेटिव नहीं करेंगे। तो वैसे इसका प्रूफ क्या है, चाहिए बहुत ही सिंपल, डिफरेंशिएशन से कर लेता हूं, dx क्या होता है बच्चों, n मतलब पावर m इंटू ए टू दी पावर m माइनस वन, और dx by d ऐसे करेंगे ना, तो dx डायरेक्टली ऐसे लिख लेता हूं, m a to the power m minus 1 into dA। और this by this कर लो, x is equal to a to the power m, divide कर दिया, देखो dx by x is equal to यहां पे m बचा, a टू दी पावर m माइनस वन, नीचे m है तो एक पावर a रह जाएगा a का। देखो ये प्रूफ हो गया, अब सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, ये सबको कंबाइन कर रहा हूं, चौथा फॉर्मूला बहुत है इंपॉर्टेंट, ये जितना भी पढ़ा है उसको कंबाइन कर रहा हूं। x इज इक्वल टू ए टू दी पावर m b टू दी पावर n अपॉन c टू दी पावर p, दो तीन चार टर्म है, सो यहां पे क्या हो जाएगा, dx by x इज इक्वल टू, सबका रिलेटिव एरर ऐड होगा, पावर m है तो m इंटू डी ए बाई ए प्लस n इंटू डी बी बाई बी प्लस, कुछ बच्चों को लगा सर माइनस लिखना है, माइनस नहीं, प्लस p इंटू डी सी बाई सी। बच्चों ये लिख लो, एक दो सवाल कराएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो सवाल क्या है, x एक फिजिकल क्वांटिटी है, a b c पे से डिपेंड करा, दिस इज द फॉर्मूला, अगर एरर इन्वॉल्व इन मेजरमेंट ऑफ a b एंड c आर 1% 1.5% 2% तो x में कितना एरर होगा। तो सर इसका फॉर्मूला है डेल्टा x बाय x इज इक्वल टू, कौन बताएगा, दर्शिता जैन, दर्शिता जैन बोलो क्या लिखूं, 2 into delta a by a plus
हर्षल महाजन, क्या लिखूं? देवकी। क्या आवाज नहीं जा रही है क्या? अच्छा तीन बच्चे से पूछा, तीनों के पास आवाज नहीं गई। मैं निकालूं क्या अभी ग्रुप से? दर्शिता आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? तो फिर क्यों देख रहे हो? देवकी वहां बैठी हो या फिर कहीं चाय पीने चल दी? बच्चों ये लिख लेंगे। और ये कितना आ रहा है? 4.5% एरर इन्वॉल्व इन एक्स। ये 100% समझ में आना चाहिए। इस पे सवाल आता है और ये समझ में आ गया, कितना आसान सा है यार। अब इसमें आईआईटी ने ऐसे सवाल पूछे हैं। मेडिकल में तो सिंपली कहेगा परसेंटेज इन एक्स निकाल लो। आईआईटी में ऐसे पूछा था कि इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स विच फिजिकल क्वांटिटीज हैज मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन एरर, ए बी सी। इन मेजरमेंट ऑफ एक्स विच फिजिकल क्वांटिटी हैव मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन एरर ऑफ एक्स, ए बी सी। किसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है बच्चों? ए ए ए का है, सी का नहीं है। हालांकि सबसे ज्यादा एरर मेजरमेंट में सी का है, बट एक्स के कैलकुलेशंस में कंट्रीब्यूशन जो है सबसे ज्यादा किसका आ जाएगा? ए का। बिकॉज यहाँ पे ए स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है तो टू टाइम से। और सबसे लिस्ट किसका है? सी सी का। सी का 1% ही आ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आईआईटी ने पूछा, मेडिकल वाले भी पूछ सकते हैं। क्लियर? अब मान लो बच्चों मैंने एक सवाल ले लिया। अगर मान लो एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू ये है ना, तो अगर पूछा जाए कि डेल्टा एक्स बाय एक्स क्या होगा, ये कांस्टेंट का रोल नहीं रहेगा, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली हो जाएगा 3 पावर 3 डेल्टा वाई अपॉन वाई। ओके सर, कैसे देख सकते हो डिफरेंशिएशन से? डी एक्स इज इक्वल टू 5 × 5 तो एज इट इज, वाई क्यूब का क्या हो जाएगा? 3y² और यहां से डी वाई इधर लेके आ जाएंगे, एक साथ लिख लिया, और इसमें से डिवाइड डिवाइड कर दो। डी एक्स बाई एक्स, एक्स कितना है? 5y³। 5 5 चला जाएगा, मतलब ये कांस्टेंट चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3y² ये वाई 3 × dy / y। समझ में आया क्या? कांस्टेंट का कोई रोल नहीं रहेगा। और अगर तुम कहोगे नहीं सर आपने बताया था कि a × b ऐसे रहता है, तो इसका होता है डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। अब अगर ये कांस्टेंट है तो ये टर्म लिखोगे तो ये तो जीरो होगा, बिकॉज जब ये कांस्टेंट है तो चेंज तो होगा ही नहीं, तो इसका कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाएगा। उस फॉर्मूला से ये चला गया। और ये जितने भी फॉर्मूले वैलिड थे, जितने भी फॉर्मूले आपने लिखा लिख लेना, दिस ऑल आर वैलिड ओनली फॉर अ स्मॉल चेंज इन एक्स, अ स्मॉल एरर के लिए। लार्ज एरर के लिए वो सारे फॉर्मूले वैलिड नहीं होंगे। अच्छा एक सवाल दे दे कि मान लो कि एक स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है और इसका साइड लेंथ ए मेजर किया।
और ये साइड लेंथ मेजर किया है 5.0 सेंटीमीटर, 5.0 सेंटीमीटर. फाइंड एरर इन्वॉल्विंग मेजरमेंट ऑफ एरिया ऑफ द प्लेट. एरिया के मेजरमेंट में कितना एरर इन्वॉल्व होगा? तो सर एरर कैसे मेजर करेंगे? सुनना है आपको. एरिया इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों? साइड लेंथ का स्क्वायर लिखेंगे. अगर स्मॉल ए में एरर मुझे पता है तो क्या कैपिटल ए में एरर निकाल सकते हैं? यस, वी नो द फॉर्मूला. कैपिटल ए बाई ए इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाई ए. ऐसे सवाल बहुत सारे आएंगे और ये मैं थोड़ा सा सिग्निफिकेंट फिगर ये सबको भी लेके डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे कि अगर एरिया ऐसे मेजर किया हो सर लेंथ. बच्चों इसको कह सकते हैं कि इसका किस स्केल से यूज किया है, इसको कौन सा स्केल यूज किया है? लीनियर स्केल यूज किया है. यहाँ पे ये डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर का होता है, 1 मिलीमीटर का होता है. और मैंने कहा था जब डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं तो जो एरर इन्वॉल्व होता है वो होता है लीस्ट काउंट. इस मेजरमेंट में व्हाट इज द एरर इन्वॉल्व? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये चाहिए एडवांस लेवल का सवाल है. कैसे दिया रहेगा? एरर इन्वॉल्व इन मेजरमेंट ऑफ ए विल बी 0.01 होगा, तो ये लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है ना. तो डेल्टा ए बाई ए कितना हो जाएगा? 2 इंटू डेल्टा ए हो गया 0.1 अपॉन ए कितना है 5. अगर परसेंटेज में पूछा जाए परसेंटेज एरर इन्वॉल्व, तो 2 इंटू 0.1 बाई 5 इंटू 100 है ना. कितना परसेंट? परसेंट मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 4%, तो कितना हो जाएगा? 4% एरर इन्वॉल्व है. क्लियर बच्चों? अगर कोई सवाल पूछे क्वेश्चंस लिखो. ऐसे सवाल आता है इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस एरर इन्वॉल्व इज 1%, व्हाट इज एरर इन्वॉल्व इन मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर? क्या होगा बच्चों? व्हाट इज द एरर इन्वॉल्व इन मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम? एनीवन? ये 1% है रेडियस में मेजरमेंट. तो अगर सर v इक्वल टू होता है 4π/3r³, तो डीवी बाई वी, ये तो 4π/3 तो कांस्टेंट है बच्चों, क्या हो जाएगा? 3 इंटू डी आर बाई आर. डी आर बाई आर के बारे में कहा 1%. एरर इन्वॉल्व इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1%, दैट इज इक्वल टू 3%.
अगर कोई सवाल कर दे कि इसके साइड लेंथ के मेजरमेंट में एरर जो है ना वो है सपोज 20% एरर, बहुत बड़ा एरर, तो एरिया के मेजरमेंट में एरर कितना होगा? एरिया के मेजरमेंट में कितना एरर होगा? तो अगर सर एरिया इज इक्वल टू होता है स्मॉल ए स्क्वायर डीए बाई ए, आपने फॉर्मूला पढ़ाया है 2 into डेल्टा ए बाई ए, दैट मीन्स डेल्टा ए बाई ए कितना है 20%, तो ये हो जाएगा 40%। सारे बच्चे एकदम ध्यान से देखना, मेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेडिकल वाले जो क्वेश्चन सेट किया है, दोनों टाइप के चीजें होती है वो बता रहा हूं मैं। एक ऑप्शन देगा 20%, बी ऑप्शन रहेगा 30% और सी ऑप्शन रहेगा 30% और डी ऑप्शन रहेगा 50%। कौन सा आंसर टिक करोगे? ठीक है, 40% आंसर टिक करोगे। बट एक ऑप्शन दिया रहेगा, कुछ दूसरे टीचर्स ऐसे सेट कर दिया, दूसरे साल यही सवाल आ जाएगा, सेम सवाल बट ऑप्शंस रहेंगे ऐसे। बच्चों इस बार ना आंसर 40% गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ यही सवाल रहेगा। अगर ये चार ऑप्शन है बेस्ट ऑप्शन ये है, दूसरे साल यही सवाल पूछेगा, एक ऑप्शन ये दे देगा, चेक करें अभी देख दिखाऊंगा कि दिस इज द करेक्ट आंसर। प्रोफेसर कैसे, और मेडिकल में भर भर के पूछता है, तो ये सोचो कि आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना है, इस पे इस टाइप के सवाल आते हैं। बच्चों एरिया निकालना था, एरिया होता है ए स्क्वायर, बट कहा किसी ने 20% एरर किया मेजरमेंट में, तो मेजर किया है ए जबकि एक्चुअल वॉल्यूम 20% अलग है, तो हो सकता है 1.2 ए हो। बच्चों ये समझ में आया, अगर 20% एरर है तो ये 1.2 ए को ए मेजर किया, कह सकते हैं ऐसा। तो जो एक्चुअल एरिया है ए डैश वो कितना है, 1.2 ए का होल स्क्वायर, ये समझ में आया। 1.2 कैसे आया, ए प्लस 20% ऑफ ए, मतलब 20/100 ऑफ ए, तो 1.2 का स्क्वायर कितना होता है, 1.44 इंटू ए स्क्वायर। बच्चों एरिया है एक्चुअल ए डैश जो कि 1.44 ए स्क्वायर, उसने बताया ए, तो एरर कितना है, एडस माइनस ए एरर है, एडस माइनस ए एडस है और उसने मेजर किया ए, तो एरर कितना है, एक्चुअल माइनस जो मेजरमेंट है 1.44 ए माइनस ए दैट इज इक्वल टू 0.44 ए, तो ये हो गया डेल्टा ए। तो फ्रैक्शनल एरर कितना है बच्चों, डिवाइड बाय ए, ये चला जाएगा, फ्रैक्शन कितना हो गया 0.44, तो परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा 44%। आया समझ में? और ये मेडिकल में भर भर के पूछता है, यही पूछता है और यही पूछेगा, मैं बता रहा हूं क्या पूछेगा, वो ध्यान देना है उसके क्वेश्चंस देखना, जेई नीट में कैसे सवाल आते हैं और एरर में नहीं, वो जनरली चेंज में भी पूछता है, कहता है कि एक
पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज किया है 10% से, डिफरेंशिएशन जैसा ही है। सारे बच्चे ध्यान सुनना, एक पार्टिकल का वेलोसिटी क्या क्या स्पीड 10% से चेंज किया है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना होगा? अगर ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, मास कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला वाइज देखोगे तो डेल्टा के बाई के इज इक्वल टू 2 डेल्टा वी बाई वी हो जाएगा। तो अगर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, सारे बच्चे ध्यान से देख रहे हैं क्या, अगर ये फॉर्मूला यूज करते हैं, स्पीड में 10% का चेंज किया है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना हो जाएगा? 20%। अगर ऑप्शंस ऐसे दिया है 20%, 10%, 40%, 15%, तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? 20%। लेकिन अगर ऑप्शंस दिया हुआ है ऐसे 20%, 10%, 40%, 15% और एक दे देगा 21%। अब 20% भी है, 21% भी है, सारे बच्चे ध्यान से देखना बच्चों, ये मेडिकल का फेमस सवाल है, यही सवाल तुम्हें आ जाएगा, मैं ये कह सकता हूं ऐसा ही सवाल आ जाएगा, 21% भी देखा रहे। प्रिया पाटिल बता दी क्यों करोगे, बिकॉज कहा है काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना हुआ है 10%, मतलब अब स्पीड कितना हो गया है 1.1 V। क्लियर, 1.1 V, तो 1.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1.1, 11 × 11 है 121 होता है 1.21, तो ये के डैश इज इक्वल टू ये हो गया के 1.21 के, तो के डैश माइनस के चेंज कितना हो जाएगा 0.21 के माइनस के किया तो फ्रैक्शनल चेंज कितना हो जाएगा 0.21, तो परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा 21%। बच्चों ये मेडिकल के लिए मैं कह रहा हूं कि रट्टा ही मार लो, 10% होगा तो उसका 21 आएगा, 20% अगर रहेगा तो 1.2 करोगे स्क्वायर में आ रहा है। और अगर 15% दे दे तो क्या आंसर हो सकता है, 15% वेलोसिटी इज इंक्रीज बाय 15%, व्हाट कुड बी द आंसर? 20%, 30%, 15%, या और क्या हो सकता है? थर्टी परसेंट तो हो ही सकता है, और दूसरा ऑप्शन जो थोड़ा सा इसको कंसिडर करेगी, ये वैलिड क्यों है? अब ध्यान से सुनना, अगर 20% भी दिया, 21% भी दिया, तो वाई 20% क्यों नहीं? बिकॉज जो फॉर्मूला तुम ये लगा रहे हो, ये किसके लिए वैलिड है? स्मॉल चेंज के लिए। तुमने चेंज कितना किया है, लार्ज 10%, 20%, जितना लार्ज चेंज करोगे उसमें वेरिएशन उतना ज्यादा आते जाएगा। जैसे 20% किया था तो एक तरीके से आंसर 40% आया था, दूसरे से 44%, डिफरेंस कितना का था, 4% का, क्योंकि 20% लार्ज चेंज है। लेकिन अगर 10% का किया तो कितना का आया, एक केस में 20 और दूसरे केस में 21, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जैसे ही परसेंटेज कम होते जाएगा, 1%, 2%, 5% तक रहेगा, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। 10% से ज्यादा रहेगा तो बेसिक वाला जो बताया वैसे करना है। तो 15 में अगर क्या क्लिक होंगे बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर, वी कितना हो जाएगा 1.15 का स्क्वायर,
अब 1.15 का स्क्वायर तुम्हें निकालना पड़ेगा, कितना होगा? तो रफली 30% से थोड़ा ज्यादा होगा, है ना? तो 10 और 20 वाला ना जनरली हमेशा आता है। थोड़ा सा थ्योरी आगे बढ़ाते हैं। कभी कभी ना ये थोड़ा तुम्हारे लिए तो शायद नहीं अभी आया ऐसा क्वेश्चंस। नेक्स्ट फॉर्मूला जो भी सिक्स या सेवन हो, एक्स इजिकल टू साइन थीटा दे दो। अब थीटा में एरर इन्वॉल्व है तो एक्स में कितना एरर इन्वॉल्व होगा? तो इसको भी क्या करना है? डिफरेंशिएट। dx इज इक्वल टू साइन थीटा को क्या हो जाएगा? कॉस थीटा और d थीटा। dx बाय x कॉस थीटा d थीटा अपॉन साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cot थीटा d थीटा। दूसरा, ये थोड़ा सा टफ में जा रहा हूं, कह रहा हूं कि यूज कैसे करना है। अगर मैं बात करूं कि सेवंथ में अगर पूछ दिया जाए x इक्वल टू cos थीटा, एरर इन्वॉल्व इसमें दिया रहेगा d थीटा है, तो dx कैसे निकालेंगे? dx by x क्या हो जाएगा यहां पे? क्या निकाल सकते हो? तो डिफरेंशिएशन से करोगे बच्चों, dx इक्वल टू क्या आ जाएगा? cos थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, बट मैं कह रहा हूं कि जब एरर की बात करेंगे तो माइनस साइन नहीं देना, हमेशा पॉजिटिव कर देना। तो ये माइनस नहीं देकर के साइन थीटा d थीटा लिख लेते हैं, और x इक्वल टू क्या है? cos थीटा, डिवाइड कर दिया। तो एरर इन्वॉल्व इन मेजरमेंट ऑफ x विल बी माइनस, नहीं एरर्स में हमेशा पॉजिटिव। फाइनल आंसर जो होना चाहिए वो पॉजिटिव, एरर्स कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करना। अगर ऐसा सवाल दिया हुआ डी वाई इक्वल टू, ये जनरली मैंने डी एक्स इधर नहीं लिखता था, इधर डायरेक्टली लिख लेता था, इतना समझ में आ रहा होगा। ई टू माइनस एक्स स्क्वायर का और एक्स स्क्वायर का, हालांकि माइनस एक्स स्क्वायर लिखोगे बट वो माइनस साइन हटा देना, एक्स स्क्वायर का टू एक्स चेंज रूल। सो डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई टू माइनस एक्स स्क्वायर टू एक्स इंटू डी एक्स। अब ये थोड़ा टफ जा रहा है, लेकिन तुम लोग कैलकुलेटर से पढ़ लियो, एरर इन्वॉल्व इन वाई कितना हो जाएगा? डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू this by this, तो ये चला जाएगा 2x into dx। एक और चीज डिस्कस करते हैं, एरर में कभी कभी क्या होता है, जैसे तुम्हें टाइम पीरियड मेजर करना है सिंपल पेंडुलम, और मैंने कहा था इसमें एक रैंडम एरर होता है। एक बार तूने मेजर किया 20 ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड तो कुछ वैल्यू आया, दूसरी बार मेजर किया कुछ और वैल्यू हुआ। जब इस टाइप का एरर होता है तो उस एरर को कम करने के लिए या एक्यूरेट वैल्यू के लिए हम एक रीडिंग पे रिलाई नहीं कर सकते। तुम लोगों को पता है क्या करते हैं ऐसे केसेस में?
एक रीडिंग लेने होता है या फिर तुम लोग कॉलेज में करवाएगा कि 5-7 रीडिंग लो? ज्यादा रीडिंग लेंगे, ज्यादा रीडिंग लेना होता है। तो तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग ऐसे बनाकर के लो, व्हेन देयर आर मोर मेजरमेंट्स मोर रीडिंग्स आर टेकन, सेम चीज के लिए 2-3-4-5 बार लेंगे, बिकॉज हर रीडिंग में कुछ अलग अलग वैल्यू आता है। तो एक्यूरेट कौन सा है, तो वैसे के लिए सपोज तूने टाइम पीरियड पहली बार मेजर किया तो T1 आया, ध्यान से सुनना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक बार रीडिंग लिया, फिर दूसरी बार मेजर किया तो T2 आया, तीसरी बार मेजर किया तो T3 आया, ऐसे सो ऑन। तो बताओ तुम क्या कहोगे, व्हाट विल बी द रीडिंग? क्या कहोगे बच्चों, क्या हो जाएगा हमारा फाइनल? कहोगे सर इसका ना एवरेज ले लेंगे, मीन ले लेंगे, सारे रीडिंग का मीन ले लेंगे, T1 प्लस T2 प्लस सो ऑन डिवाइड बाय नंबर ऑफ रीडिंग। क्लियर? ये नहीं कहेंगे कि ये हो गया टाइम पीरियड, ये नहीं कहेंगे ये हो गया, सबका लिया टाइम पीरियड और उसका एवरेज ले लेंगे। अब इसमें मैं पूछता हूं क्या एरर कितना होगा, व्हाट विल बी द एरर? देखो अभी हम मानेंगे, देखो ये पहला रीडिंग था, ये दूसरा रीडिंग था, ये तीसरा रीडिंग, ऐसे और ये एवरेज निकाल लिया, ये हमने कहा कि मेरा फाइनल रीडिंग है। अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट रीडिंग में तुम्हारा कितना एरर था, तुम कहोगे कि T1 हमने मेजर किया था, एक्चुअल वैल्यू Tm है, तो दिस इज एरर डेल्टा T1, एरर इन्वॉल्व इन फर्स्ट रीडिंग। दूसरे रीडिंग में कितना एरर इन्वॉल्व है, T2 माइनस Tm, और बच्चों ये देखना क्या पुट कर रहा हूं मैं, मॉड पुट कर रहा हूं, मॉड, क्योंकि एरर में कभी निगेटिव नहीं लिखेंगे, हमेशा पॉजिटिव, एंड सो ऑन। अब पूछा जाए कि इसमें बताओ हमारा एरर्स कितना इन्वॉल्व है इस रीडिंग में, व्हाट इज द एरर इन्वॉल्व इन दिस रीडिंग? ये तो रीडिंग लिखा, कहोगे एरर इन्वॉल्व डेल्टा Tm, दैट इज डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय n। और फाइनल रीडिंग कैसे बोलना है, टी, तो ये बोलना है हमारा रीडिंग है Tm और इसमें एरर हो सकता है प्लस माइनस डेल्टा Tm, दिस इज आवर राइटिंग ऑफ द रीडिंग। अगर पूछा जाए व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन्वॉल्व या फ्रैक्शनल एरर, क्या कहोगे, डेल्टा Tm इज द एरर डिवाइड बाय Tm, परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या ये सवाल समझ में, ये कंसेप्ट समझ में आया कि व्हेन किसी भी चीज का एक नहीं बहुत सारे रिपीटेड नंबर ऑफ रीडिंग्स है तो उस केस में हम रीडिंग फाइनल कैसे बताएंगे, तो ऐसे बताएंगे। बच्चों हम नेक्स्ट आ रहा हूं जिस पर भी सवाल होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट्स। पहला तो हो गया लीनियर स्केल, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, जो तुम घर पे यूज करते हो लीनियर स्केल उस पर क्या होता है, मिलीमीटर का मार्क होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, थोड़ा दूर दूर दिखाया हो बच्चों, 0 सेंटीमीटर, 0 हो गया ये 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, ऐसे है। तो इसका लीस्ट काउंट क्या होता है, 0.1 सेंटीमीटर या कहेंगे 1 मिलीमीटर,
लीनियर स्केल का जो तुम्हारे घर पे होगा। अगर इससे कोई रीडिंग हमने मेजर किया और सपोज ये एक पॉइंट है 5.4 सेंटीमीटर का ये पॉइंट है, एक रॉड मेजर कर रहा हूं, रॉड का लेंथ मेजर कर रहा हूं, तो जीरो यहां पे रखूंगा और इस पॉइंट पे कौन सा रीडिंग है, तो मैंने कहा सपोज ये 5.4 सेंटीमीटर का है, तो लेंथ कहेंगे कि 5.4 सेंटीमीटर हुआ। लेकिन क्या एग्जैक्ट 5.4 है? नहीं, इसमें एरर हो सकता है। कितने का? 0.1 सेंटीमीटर। सो दिस इज आवर द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। पूछेगा व्हाट इज द फ्रैक्शनल एरर, ओके 0.1 अपॉन 5.4। क्या बात यहां तक समझ में आई बच्चों? लीनियर स्केल हाउ टू राइट रीडिंग, प्लस माइनस का मतलब क्या है, और नेक्स्ट आ जाता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्नियर कैलिपर। कितने लोगों ने ये वर्नियर कैलिपर देखा है? लोकेश स्कूल में दिखाया गया क्या? क्या बात है, बहुत सारे लोग देखे। रुद्राक्ष, प्रिया पाटिल, अथर पारिक, क्या बात है, तुम लोग तो देखो यार, मैंने तो अभी तक देखा ही नहीं है। गुड, वर्नियर कैलिपर देखा है, चलो अच्छी बात है। लोकेश ने नहीं देखी है, शरण्या देखी है। सो वर्नियर कैलिपर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट करता है, इसका लीस्ट काउंट कम होता है। हमें 5.4 सेंटीमीटर तक हमने मेजर किया था, तो 5.4 से कितना ज्यादा है, थोड़ा और रिफाइंड वे में ये मेजर करेंगे, है ना? 10 टाइम्स मोर एक्यूरेट है देन लीनियर स्केल। ये कैसे वर्क करता है, कैसे मेजर करते हैं, कैसे रीडिंग लिखते हैं, लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। और अगर ये समझ में आ गया तो आज का क्लास सफल रहा बच्चों। बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है ये वर्नियर कैलिपर। बच्चों इसमें दो स्केल होता है, एक होता है मेन स्केल और एक होता है वर्नियर स्केल। और जिसने भी ये बनाया था वर्नियर कैलिपर, क्या जबरदस्त दिमाग होगा कि छोटा सा कॉन्सेप्ट करके हम 10 टाइम्स मोर एक्यूरेट मेजरमेंट कर लेते हैं। तो इसका मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं डायग्राम ड्रॉ करने का, देखता हूं ड्रॉ कर पाता हूं। अच्छा, मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया, बहुत अच्छा नहीं बनाया, बट समझा रहा हूं कि क्या है ये। देखो ये हो गया बच्चों मेन स्केल और ये हो गया वर्नियर स्केल। देखो इस पे भी डिविजन्स है और इस पे भी डिविजन्स है, ये स्लाइड कर सकता है। देखो ये इस मेन स्केल है और ये इस पे स्लाइड कर सकता है। तो कुछ डायग्राम समझ में आया क्या? क्या मैंने थोड़ा बड़ा अच्छा कोशिश किया ड्रॉ करने का? इसमें और भी चीजें बताऊंगा, अभी तो यहां दिखा। अब कुछ मेजरमेंट करना होता है बच्चों के, एक स्फीयर का डायमीटर मेजर करना है, तो इस स्फीयर को बीच में यहां रख लेते हैं। और फिर इसको एडजस्ट करते हैं, देन वी सी द रीडिंग है जीरो कहां पे है। तो कैसे मेजरमेंट करते हैं वो दिखाऊंगा, तब तक तुम ये डायग्राम तो ड्रॉ कर लो बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
इसका एक इधर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, देखना। मेन स्केल में सपोज हमने इसमें 9 डिविजन्स किए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मेन स्केल का ये 9 डिवीजन है। वर्नियर स्केल का डिवीजन मोस्टली उससे थोड़ा छोटा होता है, नाइन डिवीजन मेन स्केल में हम 10 डिवीजन वर्नियर स्केल का करेंगे। तो देखना ये डिवीजन थोड़ा छोटा होगा, डायग्राम ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है, इससे थोड़ा छोटा। अब इसका डिवीजन कम है तो इससे भी थोड़ा और पीछे रहेगा, और पीछे रहेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। मैंने कोशिश किया डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करने का, अच्छा डायग्राम ड्रॉ हो गया है। देखो बच्चों, जीरो ना इसके अभी सपोज जीरो से मैच कर रहा है, एग्जैक्टली मैच कर रहा है। इसका वन ना इसके वन से थोड़ा छोटा हो गया। दिस इज कॉल्ड वर्नियर स्केल डिवीजन VSD एंड दिस इज कॉल्ड मेन स्केल डिवीजन MSD। मोस्टली मेन स्केल डिवीजन एज 0.1 सेंटीमीटर, जो अभी लीनियर स्केल था वही होता है, एंड वर्नियर स्केल डिवीजन एज स्लाइटली लेस देन MSD। एंड जो तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है मोस्टली की बात कर रहा हूं, मोस्टली 9 MSD इज इक्वल टू 10 VSD। 9 MSD में जितना लेंथ है उतने में वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन है। तो इस केस से, इस हिसाब से VSD इस पर्टिकुलर केस में कितना हो जाएगा, 1 VSD इज 9/10 MSD, एम आई राइट बच्चों? नाइन बाई टेन MSD, MSD से थोड़ा कम है VSD। अब कैसे मेजरमेंट लेते हैं, ध्यान से सुनना, सारे बच्चे ध्यान से सुनेगा। अगर इसके बीच में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, मतलब ये और ये लाइन टच करा, ये हटा दो स्क्वायर, तो इसको टच करा दो, इन दैट केस मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो एग्जैक्टली मैच करेगा। बच्चों जब मैं कह रहा हूं कि ये कुछ नहीं है तो कैसा रहेगा, वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो एग्जैक्टली मैच करेगा, मतलब इसका रीडिंग जीरो है, एम आई राइट? अगर ऐसा है तो कहेंगे कि इसमें कोई एरर नहीं है, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट है, जब कुछ नहीं प्लेस्ड है तो जीरो जीरो मैच कर रहा है, तो इसको बोलते हैं जीरो एरर नहीं है, नो जीरो एरर। अब इसको और एक्सप्लेन करूंगा, इफ जीरो जीरो इज मैचिंग, नहीं मैच करेगा तो क्या करेंगे, उसको कहेंगे कि उसमें जीरो एरर है, वी विल डिस्कस दिस। अब इस स्फीयर को करना है तो इसको ऐसे स्लाइड किया, बीच में स्फीयर रख दिया,
अब सारे बच्चे ध्यान से सुनना, अब देखेंगे वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के किस पॉइंट के जस्ट बाद है। तो लेट्स सी, ये 5.4 सेंटीमीटर मेन स्केल का डिवीजन है, इसके जस्ट बाद वर्नियर स्केल का जीरो है। सो इस पॉइंट को हम बोलते हैं बच्चों कि दिस इज मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग कैसे लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझ में नहीं आता बच्चों को ज्यादा। मेन स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के किस डिवीजन के जस्ट बाद है, है ना। अब देखो ये 5.4 है, ये 5.5 है, तो 5.5 नहीं लेंगे, 5.3 नहीं लेंगे, 5.4 लेंगे। लेकिन अगर ये 5.4 के जस्ट सामने होता, ये जीरो जस्ट सामने होता, तो कहते एग्जैक्ट रीडिंग 5.4 है, बट उससे थोड़ा ज्यादा है। तो व्हाट वी विल से, इसका रीडिंग 5.4 से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन कितना ज्यादा है इसलिए स्केल यूज कर रहे हैं, कैसे बताएंगे वो समझना। तो देखो इसी को ना थोड़ा बड़ा करके मैंने यहां ड्रॉ किया, लुक एट हियर, ये 5.4 सेंटीमीटर जीरो थोड़ा आगे है, फिर देखोगे कि इसका वन वर्नियर का वन इसके कोई मेन स्केल से मैच नहीं कर रहा, फिर आगे देखोगे ये भी मैच नहीं कर रहा, और यहाँ पे मैंने कोशिश किया कि ये देखो एग्जैक्टली मैच कर रहा है, एग्जैक्टली। सो वी हैव टू लुक कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल से एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो कहेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग जो है वो है 3। वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है 3, मेन स्केल रीडिंग कितना है 5.4 सेंटीमीटर। सो हाउ टू राइट मेजरमेंट, लेंथ कितना लिखेंगे बच्चों, लेंथ कहेंगे मेन स्केल रीडिंग प्लस इसका कुछ लिस्ट काउंट होगा, लिस्ट काउंट निकालने के लिए भी सिखाएंगे, लिस्ट काउंट ऑफ दिस इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग, ये हो जाएगा मेजरमेंट। लेकिन इसमें भी एरर इन्वॉल्व होगा, तो प्लस माइनस लिस्ट काउंट। लेट्स इस इंस्ट्रूमेंट का मैं लिस्ट काउंट पहले बता दे रहा हूं, लिस्ट काउंट सपोज 0.01 सेंटीमीटर है, सो व्हाट विल बी द रीडिंग, तो कहोगे लेंथ जो है या डायमीटर जो है इस स्फीयर का डायमीटर वो है, मेन स्केल रीडिंग इज 5.4 सेंटीमीटर प्लस लिस्ट काउंट 0.01 इंटू वर्नियर स्केल रीडिंग। यहां पे देखो थर्ड डिवीजन वर्नियर स्केल का मेन से एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो 3 ये हो जाएगा, और प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। सो क्या हो जाएगा रीडिंग बच्चों, रीडिंग मैं यहां पे लिख रहा हूं 5.4 और ये हो जाएगा 0.03 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, दिस विल बी द रीडिंग। इज इट क्लियर, बहुत टफ चीज पढ़ रहे हो तुम लोग। आयुष कुछ समझ में आया क्या, यस सर। ये दूसरी बार पढ़ोगे समझ में आएगा, हालांकि तुम लोगों में उतना टफ नहीं पूछता है, बट इतना लिखने के लिए आना चाहिए, एक दो सवाल करोगे तो क्लियर हो जाएगा।
पहले तो अब मैं बताता हूं लीस्ट काउंट क्या होता है. लीस्ट काउंट इज एम एस डी माइनस वी एस डी. वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट एम एस डी माइनस वी एस डी. बच्चों ये देखो एम एस डी था, ये था वी एस डी, तो ये तो डिफरेंस आ रहा ना, यही तुम्हारा लिस्ट काउंट है. ओके सर, व्हाई दिस इज लिस्ट काउंट? ये कोई टीचर नहीं समझाता है व्हाई एम एस डी माइनस वी एस डी इज लिस्ट काउंट. देखो अगर अभी जीरो और जीरो मैच कर रहा है, अब इससे मान लो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाना है, थोड़ा सा आगे ले जाना है, तो थोड़ा सा आगे ले जाओगे तो ये वन जो है वो इससे मैच कर जाएगा. अभी मैच नहीं कर रहा था, जीरो जीरो मैच कर रहा था, वन मैच करेगा. अगर वन मैच किया तो कैन वी से कॉन्फिडेंटली कि हमने स्केल को इधर वर्नियर को कितना डिस्टेंस मूव कराया है, इतना डिस्टेंस मूव कराया, ये वाला डिस्टेंस हमें पता, इतना मूव करा, यही तो मेजरमेंट है. अगर थोड़ा और ज्यादा मूव कराना पड़ा तो वन के जगह टू मैच कर जाएगा, टू मैच करेगा तो एग्जैक्टली टू टाइम्स ऑफ लिस्ट काउंट हमने मूव कराया आगे. थोड़ा और आगे मूव कराएंगे तो थ्री मैच करेगा, थोड़ा और कराएंगे तो फोर मैच कराएगा, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा. जैसे इस सवाल में अगर सपोज ये जीरो जो होता वो 5.4 के पास रखते तो ये स्फीयर फिट नहीं हो रहा था, तो मुझे थोड़ा स्लाइड करना पड़ा, थोड़ा सा किया तो भी फिट नहीं हुआ, थोड़ा और किया, इतना किया कि ये 3 से मैच करा, मतलब 5.4 के बाद कितना और आगे मूव कराया है, 3 टाइम्स ऑफ लिस्ट काउंट मूव कराया है, 3 टाइम्स ऑफ दिस डिस्टेंस मूव कराया, इसलिए इसका रीडिंग आया 5.4 प्लस लिस्ट काउंट इनटू 3. ऐसे करते जाओगे, ऐसे करते जाओगे, फिर 9th मैच करेगा और फिर लास्ट में 10th मैच करेगा. जिस समय 10th मैच करेगा ना, उस समय फिर जीरो जो है इसका, इसका जीरो फिर दूसरे मेन स्केल के पास एग्जैक्टली पास आ जाएगा. जैसे अभी यहां पे जीरो है तो ये 10th भी मैच कर रहा है एग्जैक्टली. थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो अब जीरो मैच नहीं करेगा, वन मैच करेगा, तो ये 9, 10 थोड़ा आगे चला जाएगा, 9 और आगे चला जाएगा. ऐसे करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, फिर 9 यहां से मैच करेगा और आगे करेंगे तो ये 10th मैच कर जाएगा. बात समझ में आई क्या कुछ? मुझे लग रहा है थक गए होगे, तो आज का क्लास में यही छोड़ देता हूं.